Hello everyone, this is Ashish Jain. In this video, we will do another chapter of income tax, that is residential status. First of all, we will study about the sections. Section 4, take section 4 kya kehte hain? Every person is liable to pay tax in assessment year on total income of previous year. Dekhi. We need to study each and every word of any statement of every statement of income tax. देखिए जो income tax की language होती है उसमें जो है जो SSC या फिर जो जो भी tax पेयर होता है वो फंस जाता है कि what is the actual meaning of this statement. क्या लिखे थे कहाँ से? Every person. I told you so many times in the last video also and in the last live lecture also what is the difference between the person and the SSC. ठीक है? So person means who can earn. So every person is liable to pay tax in assessment year on total income. अब आप confused हो रहे होंगे सर, you have told so many times कि we calculate tax on taxable income. ठीक है, एंड सर आपने यहाँ पर लिखा है कि taxable total income, तो ये तो कुछ गलत हो गया है. गलत ये नहीं है actually, ये क्या है सेक्शन 2 क्लोज 45. अब ये 2 क्लोज 45 क्या है, क्या लिखा है ध्यान से देखिए. ये 2 क्लोज 45 है, क्या लिखा है देखिए. टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रेफर टू सेक्शन 5 एंड कंप्यूटेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर इनकम टैक्स. पहले देखिए सेक्शन 4 कहता है कि हर इंसान यानी कि हर पर्सन जो कमा रहा है उसको जो है टोटल इनकम पे टैक्स देना है. ठीक है, लेकिन टोटल इनकम की जो डेफिनेशन लिखी है वो ये कह रही है कि हम जो टोटल इनकम पे जो टैक्स कैलकुलेट करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे एज पर सेक्शन 5, यानी कि सेक्शन 5 बताएगा कि टोटल टैक्सेबल इनकम हम कैसे कंप्यूट करेंगे. ठीक है, वो हम कैसे करेंगे वो हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी. कि पहले जो है सारे हेड से जितने भी इनकम हैं वो हम एलोकेट करेंगे, चाहे इनकम फ्रॉम सैलरी हो, पीजीबीपी हो, बिजनेस हो, अदर सोर्सेज हो, कैपिटल गेन हो, उन सबको एलोकेट करेंगे. देन वी विल टेक एग्जम्पशन इफेक्ट फ्रॉम ईच हेड एंड देन आफ्टर वी विल डिडक्ट डिडक्शंस विच आर अलाउड अंडर सेक्शन फ्रॉम 80C टू 80U. ओके, ये सबको कह रहा है सेक्शन 5 का रहा है. देखिए सेक्शन 4 कहता है कि हर पर्सन को जो है टोटल इनकम पे टैक्स पे करना है. ठीक है, लेकिन एज पर सेक्शन 2 क्लोज 45 कह रहा है कि टोटल इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो कैलकुलेट करेंगे हम एज पर सेक्शन 5, यानी सेक्शन 5 बताया कि टोटल टैक्सेबल इनकम है क्या. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, हमने अब तक बात करी कि कौन टैक्स पे करेगा कैसे टैक्स करेगा, लेकिन हमने अब तक ये बात नहीं करी कि रेजिडेंशियल स्टेटस है क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज रिलेवेंट टू स्टडी दिस चैप्टर. ध्यान से देखिए रिलेवेंस, रिलेवेंस क्यों है वो इसलिए बिकॉज द टैक्स लायबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस. टैक्स लाइबिलिटी डिपेंड्स ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस. सर ये रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है? रेजिडेंशियल बेसिकली हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टे पीरियड इन इंडिया, स्टे पीरियड इन इंडिया, यानी कि चाहे वो कोई भी इंसान हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो LLP हो, कोई भी हो. ठीक है, अगर हमें उसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द स्टेटस ऑफ दैट पर्सन. स्टेटस मीन्स वेदर ही इज रेजिडेंट और वेदर ही और शी इज अ नॉन रेजिडेंट. ओके, तो उसके रेजिडेंस को चेक करने का हमें देखना है उसका स्टे पीरियड इन इंडिया. ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल की तरह समझाता हूँ.
देखो मान लीजिए ये कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, ये कौन है, इंडियन सिटीजन, ठीक है। अब ये फॉरेन में जाता है, किसी कोई भी फॉरेन कंट्री में जाता है एंड ही इज एक्चुअली जनरेटिंग इनकम हेयर, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए इस एग्जाम्पल को, ये कौन है, इंडियन सिटीजन है, जैसे आप हो, ठीक है, आप फॉरेन में जाके सेटल हो गए, ठीक है। अब वो वहाँ पर जाके जो इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें ये चेक करना है वेदर दिस इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट, टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट, हमें बेसिकली यही चेक करना है, ठीक है। तो देखिए कोई भी पर्सन है, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो फॉरेन सिटीजन हो, हमें सिर्फ चेक करना है कि जो वो भी जो वो पर्सन या जो सिटीजन है वो कहीं से भी जो भी इनकम जनरेट कर रहा है तो उसकी इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं है, ठीक है। इसका हम एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए ये कौन है, ये फॉरेन सिटीजन पर्सन है, ठीक है, अभी इंडिया में आता है, इंडिया में आके ये कुछ इनकम अर्न करता है, ठीक है, या फिर इनकम जो वो जनरेट करता है, तो क्या ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं, इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं वो देखना हमें, टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट, वो हमें कैसे पता चलेगा। अब ये सब कैसे पता चलेगा हमें, ये हमें पता चलेगा रेजिडेंशियल स्टेटस से, ठीक है। दैट मीन्स चाहे वो इंडियन सिटीजन हो चाहे वो फॉरेन सिटीजन हो, हमें उसका जो हमेशा रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना, दैट मीन्स वी नीड टू चेक दी स्टे पीरियड इन इंडिया ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। सो देखिए हम मोटा मोटा ही कह सकते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी दे आर टोटली इंटर रिलेटेड, एम आई राइट, ठीक है। सो देखिए बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर्स दो टाइप के होते हैं, अभी हमने एग्जाम्पल लिया, कौन कौन से टैक्स पेयर्स होते हैं, या तो वो इंडियन सिटीजन होगा या तो वो फॉरेन सिटीजन होगा, यही तो हो सकता है, ठीक है। तो इंडियन सिटीजन की अगर हमें टैक्स लायबिलिटी चेक करनी है तो हमें उसका कौन सा स्टेटस देखना है, हमें हमें चेक करना है वेदर दैट पर्सन इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, आई रिपीट, देखिए देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ टैक्स पेयर्स, इंडियन सिटीजन एंड एंड फॉरेन सिटीजन। टू चेक द टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडियन सिटीजन वी नीड टू चेक द स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन वेदर ही और शी इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ठीक है। बट फॉर द फॉरेन सिटीजन वी नीड टू चेक ओनली वेदर ही और शी और वेदर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रेजिडेंट और नॉट, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर टैक्स लायबिलिटी का फॉरेन सिटीजन अगर रेजिडेंट होगा तो ही उसकी टैक्स लायबिलिटी का अदरवाइज होगी ही नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन इंडियन सिटीजन अगर वो दोनों में से कुछ भी हुआ, चाहे वो रेजिडेंट हुआ चाहे वो नॉन रेजिडेंट हुआ, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी इंडिया में बनने की बनी है, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 4 क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन इंडिया में टैक्स देने के लायबल है, ठीक है, किस पे, टोटल इनकम है, और टोटल इनकम हमें कैलकुलेट करनी है किसमें, अंडर सेक्शन 245 245 क्या बोलता है,
वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल टैक्स लाइबिलिटी एज पर सेक्शन 5। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन 5 भी ध्यान से देख लेते हैं क्या होता क्या है। देखिए सेक्शन 5 बेसिकली हम बोलते हैं इसको हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। देखिए ध्यान से क्या बोलते हैं वो, द टोटल इनकम विल बी डिटरमाइंड अंडर डिफरेंट हेड्स एंड आफ्टर टेकिंग ऑल द प्रोविजंस ऑफ द डिडक्शंस एंड इफ द पर्सन फॉलिंग अंडर दीज कैटेगरीज। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट वी नीड टू डिटरमाइन द टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम ऑल अदर हेड्स और अगेन से आफ्टर एलोकेटिंग इनकम फ्रॉम द ऑल अदर हेड्स एंड आफ्टर डिटिंग ऑल द डिडक्शंस। ठीक है, देन वी नीड टू चेक वेदर दिस पर्सन इज फॉलिंग अंडर दीज कैटेगरीज और नॉट। अब वो कौन सी कैटेगरीज है जो भी मैंने आपको बताई, हमें चेक करना है वेदर दैट पर्सन इज रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और यू कैन से फॉरन फॉरन सिटीजन पर्सन है। तो हमें पूरा जो उस पर्सन का जो हमें बेसिकली रेजिडेंसी सर्टिफिकेट चेक करना है। ठीक है, नाउ देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रेजिडेंसी सर्टिफिकेट्स, फर्स्ट वन इज रेजिडेंट इन इंडिया एंड नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया में ही दो टाइप के होते हैं आपके, कौन कौन से, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, शॉर्ट फॉर्म है उसकी ROR। देन सेकेंड वन इज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट विच इज शॉर्ट फॉर्म है उसकी NOR। ठीक है, अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा इसमें होता क्या है। अभी से इतना याद रखिए कि रेजिडेंट इंडिया दो टाइप के होते हैं आपके, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड सेकेंड वन इज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके, एंड इसी में ही आपका जो है दो टाइप के होते हैं। देखिए दो टाइप के आपके हैं, सेकेंड क्या आपका नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, ये संबंध हम किस में पढ़ रहे हैं, सेक्शन 5 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब अगर हमें रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो हमें ये सेक्शन 5 बता रहा है कि आपको रेजिडेंशियल अगर चेक करना है तो आपको जाना पड़ेगा सेक्शन 6 में। यानी कि सेक्शन 6 बताएगा वेदर दैट पर्सन इज रेजिडेंट इन इंडिया और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। सेक्शन 5 क्या बता रहा है, हाउ टू कंप्यूट टोटल टैक्स लायबिलिटी फ्रॉम द टोटल इनकम, बट सेक्शन 6 टेलिंग द रेजिडेंसी स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ओके, देखिए अगर कोई पर्सन जो है उसका पर्सन को हमें रेजिडेंसी स्टेटस चेक करना है तभी तो हम टैक्स लायबिलिटी निकल पाएंगे। बिकॉज देखिए ऊपर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, कि टोटल टैक्स लायबिलिटी इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, लाइक इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव डन द वेरियस क्वेश्चन ऑन कंपटीशन ऑफ इनकम टैक्स, हमें उसमें पढ़ा था MEL दैट इज मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। तीन क्राइटेरिया हमने पढ़े थे, कौन कौन से, 3 लाख, 2,50,000 एंड 5 लाख। ठीक है, 2,50,000 हमने क्या लिखा था, अदर इंडिविजुअल्स एंड HUF। ठीक है, बट हमने उसमें क्या लिखा था, 3 लाख वाले में हमने क्या लिखा था, सीनियर सिटीजन, बट उसका आगे एक वर्ड लिखा हुआ था रेजिडेंट। ठीक है, दैट मीन्स रेजिडेंट होगा तभी तो उसकी MEL होगी, तो पहले हमें उसको रेजिडेंशियल चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमेशा रखना कि टैक्स लायबिलिटी जो फुली डिपेंड किस पे है, रेजिडेंशियल स्टेटस पे। ठीक है, अब देखते हैं नॉन रेजिडेंट इन इंडिया अगर होगा तो उसकी कौन कौन सी इनकम जो है वो टैक्स लगेगा, कौन कौन सी इनकम जो इंडिया में मानी जाएगी। ध्यान से देखिए, देखिए दीज आर दी 3 डिफरेंट स्टेटस, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। आई रिपीट, ROR कह सकते उसको। ठीक है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सेकेंड वन इज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड थर्ड वन इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, चाहे वो कोई भी इनकम इनकम जो है रिसीव हो रही हो या डीम टू बी रिसीव इन इंडिया, तो वो टैक्सेबल सबके लिए है, चाहे उसका स्टेटस ROR हो, चाहे वो NOR हो, चाहे वो NR हो, टैक्सेबल फॉर एवरी स्टेटस। सेकेंड वन इज इनकम अर्नड इन इंडिया, कोई भी इनकम जो है वो कोई भी पर्सन इंडिया में अगर अर्न कर रहा है,
दैट इज टैक्सेबल फॉर एवरी स्टेटस. नेक्स्ट, इफ इनकम इज अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन, इफ इनकम इज अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन देन इट इज टैक्सेबल फॉर द आर ओ आर एंड एन ओ आर, एन ओ आर विच मीन्स इट इज नॉट टैक्सेबल फॉर द नॉन रेजिडेंट. ओके, एंड ऑल अदर इनकम लेफ्ट रिमेनिंग इनकम इज टैक्सेबल इज ओनली फॉर द आर ओ आर, नॉट फॉर एन ओ आर एंड एन आर. ओके, अभी हम इन डिटेल में पढ़ेंगे कि वट आर दीज इनकम. ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, डीम्ड अगर होगा, जैसे लिखिए जैसे होगा इनकम डीम्ड टू बी रिसीव इन इंडिया, वो हम करेंगे सेक्शन 7. ठीक है, बट अगर और अगर होगा इनकम डीम्ड टू बी अर्न इंडिया, तो वो क्या बताया, कौन बताएगा, सेक्शन 9. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डबल टैक्सेशन. देखिए ये जो टॉपिक है, वैसे तो ये टॉपिक जो है दिस टॉपिक इज बेसिकली आउट ऑफ द सिलेबस. ठीक है, बट अगर आपको जैसे कि आपका शौक है कि भी सुन के भूल जाना, या एक कान से सुनना दूसरे कान से निकालना, या फिर एक कान में पहुँचने तक पहुँचाना ही नहीं चाहते, तो जो भी आदत हो वो आप कर सकते हो. देखिए लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे हो, तो एटलीस्ट आपको एक इसकी बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि आखिर है क्या. किसकी बात कर रहे हैं हम, डबल टैक्सेशन. डबल टैक्सेशन क्या होता है, बेसिकली वेयर इनकम इज टैक्स्ड इन मोर देन वन कंट्री. आई रिपीट, वेयर इनकम इज टैक्स्ड इन मोर देन वन कंट्री, दैट मीन्स कोई एक ही इनकम, एक किसी एक पर्सन की इनकम जो है दो देशों में जो है वो टैक्सेबल हो रही है. कैसे हो सकती है, अभी तो ऊपर हमने पढ़ा. देखिए हमने जो एग्जांपल लिया, जैसे ये इंडियन सिटीजन है आप हो, ठीक है, आपकी इनकम जो है फॉरन से कमा रहे हो, वहाँ तो आप टैक्स जीरो दोगे दोगे, लेकिन अगर मान लो वो आप रेजिडेंट निकले, तो यहाँ पे भी आप टैक्सेबल होगा, तो यहाँ वहाँ भी दोगे वहाँ भी दोगे, तो इसी को बोलते हैं हम डबल टैक्सेशन. ठीक है, बट यू मे गेट सम रिलीफ, आपको रिलीफ मिल सकता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस. ठीक है, वी विल कैलकुलेट रिलीफ अंडर टू डिफरेंट सेक्शन, दैट इज एज पर सेक्शन 90 एंड एज पर सेक्शन 90. 90 क्या बोलता है, इंडिया हैज डी टी ए ए विद फॉरन गवर्नमेंट, विच मीन्स अगर इंडिया का किसी भी फॉरन गवर्नमेंट कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइड एग्रीमेंट अगर है, इसको क्या बोलते हैं हम, डबल टैक्सेशन अवॉइड एग्रीमेंट होगा, तो उसका रिलीफ जो हम कैलकुलेट करेंगे एज पर सेक्शन 90. ठीक है, बट अगर किसी भी गवर्नमेंट या कोई भी फॉरेन कंट्री उसका डी टी ए ए नहीं है, तो उसका हम रिलीफ कैलकुलेट करेंगे एज पर सेक्शन 91. ओके, तो देखिए अगर 90 के अकॉर्डिंग रिलीफ अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें चेक करना पड़ेगा उस पर्सन का स्टेटस, अगर वो रेजिडेंट हुआ. ठीक है, रेजिडेंट हुआ या फिर नॉन रेजिडेंट, हमें चेक करना है. ठीक है, देखिए अगर वो रेजिडेंट हुआ तो उसकी इनकम जो यहाँ पर जो डबल टैक्स के अकॉर्डिंग उसको रिलीफ मिलेगा, नॉन रेजिडेंट के अकॉर्डिंग मिलती है, बट वो उसके लिए अलग कैलकुलेशन होती है. देन एज पर सेक्शन 91 का होता है, इट इज ओनली रिलीफ इज अवेलेबल ओनली फॉर दी रेजिडेंट ऑनली. ठीक है, दैट मीन्स अगर वो रेजिडेंट इन इंडिया है तभी उसको रिलीफ मिलने का जरूरत मिलेगा. देखिए मैं इन डिटेल नहीं जा रहा कि हाउ टू कैलकुलेट दी रिलीफ, बिकॉज आपका सिलेबस का नहीं है, बट मैं को जस्ट एक आपको एक इसका ओवरव्यू देना था. बिकॉज इफ यू लाइक गो फॉर एनी प्रोफेशनल कोर्स लाइक सी ए सी एफ ए और सी डब्ल्यू ए आई सी डब्ल्यू ए, आप किसी भी कोर्स में जाओगे, सो जब आप वहाँ पर पढ़ाओगे तो वहाँ आपके वहाँ पर लाइक आपके कान खड़े न हो गए कि ये भला क्या है. ठीक है, सो आई जस्ट गिव ओवरव्यू कि एक्चुअली डबल टैक्सेशन क्या होता है, दैट इज वेयर इनकम इज टैक्स्ड इन मोर देन वन कंट्री है, तो आपको रिलीफ मिलता है, रिलीफ मिलेगा इस पर सेक्शन 90 एंड 91. 90 में कब मिलेगा, जब इंडियन गवर्नमेंट का किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट कंट्री के साथ जो है वो डबल टैक्सेशन अवॉइड एग्रीमेंट होगा, तो रिलीफ उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, नहीं होगा तो फिर तब भी रिलीफ कैलकुलेट होगा एज पर सेक्शन 90. ठीक है, यस. अभी हम देखिए पढ़े थे इनकम अर्न इन इंडिया, तो हम पढ़े थे सेक्शन 9 में,
तो कौन कौन सी इनकम जो अर्न्ड वो डीम्ड इंडिया मानी जाएगी? ध्यान से देखिए, फर्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी डीम्ड टू बी अर्न्ड इन इंडिया कब मानेंगे? प्लेस वेयर सर्विस इज प्रोवाइडेड। इंडिया में कहीं पर भी अगर उसकी सर्विस प्रोवाइड करी है, ठीक है, कोई भी पे कर रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इंडिया में उसकी सर्विस की प्रोवाइड हो रही है, से आप सैलरी कहीं पर भी जाओगे, जापान, यूएसए, कहीं पर भी पे करो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड अगर सर्विस अगर इंडिया में पे हो, इंडिया में हो रही है, तो क्या मानेंगे उसको हम? इनकम इज डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया। ओके, बट देर इज अनदर क्लॉज, ध्यान से देखिए, सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप हमेशा याद रखना, ईच एंड एवरी केस वेन एवर देर इज अ वर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आंख बंद करके कर देना, ऑलवेज अर्न इन इंडिया। ठीक है, देखिए सैलरी में 2 पॉइंट है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पे करा तो है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी और ने पे करा, कोई और मतलब कोई भी हो सकता है, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है, बट अगर उसकी सर्विस अगर इंडिया में प्रोवाइड हो रही है, तो कहाँ वो होगा टैक्सेबल, कहाँ अर्न, कहाँ माना जाएगा इसको? इंडिया में मानेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर जो वर्ड है सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंडियन नेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड आउट ऑफ इंडिया, जैसे देखिए जो जैसे देखिए जो एम्बेसी होती है, जैसे देखिए यहाँ का जो पर्सन है वो मान लीजिए किसी बाहर किसी भी कंट्री में, जैसे मान अमेरिका में वो इंडियन एम्बेसी में वो काम कर रहा है, तो उसको सैलरी कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उसको उसकी जो सैलरी जो वो कहाँ मानेंगे? इनकम अर्न इन इंडिया, डीम्ड उसको माना माना गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज इन रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इसकी जो इनकम टू बी डीम्ड इन इंडिया मानेंगे एज पर द लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सेम फॉर बिजनेस, लोकेशन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। सेम फॉर एसेट्स, अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन नॉन डिवेंचर एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये जो इनकम है वो इंडिया में कब कब मानी जाएगी? ध्यान से देखिए, इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अभी मैंने आपको बोला अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आया तो क्या मानोगे? ऑलवेज अर्न इन इंडिया, ठीक है, तो बात ही खत्म। बट इफ इंटरेस्ट इज पेबल बाय रेजिडेंट, ध्यान से समझिए, इफ इंटरेस्ट इज पेबल बाय रेजिडेंट तो क्या बोला हुआ है? इफ दैट लोन इज यूज इन इंडिया फॉर एनी पर्पस, देन इट इज टू बी ट्रीटेड, और यू कैन से देन इट इज टू बी डीम अर्न इन इंडिया, अदरवाइज अदरवाइज इट इज डीम्ड आउटसाइड इंडिया। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, लेट सपोज इफ आई एम रेजिडेंट इन इंडिया एंड यू आर ऑल्सो रेजिडेंट इंडिया, इफ यू बोरो सम अमाउंट फ्रॉम मी, सपोज 1 लाख रुपीज यू आर बोरोड फ्रॉम मी एंड यू आर यूजिंग दैट अमाउंट फॉर एनी पर्पज, बट यू आर यूजिंग इन इंडिया, ठीक है, देन ऑन दैट लोन एनी अमाउंट यू एनी दैट आई एम गेटिंग इंटरेस्ट फ्रॉम यू, ठीक है, आई एम अर्निंग इंटरेस्ट फ्रॉम यू इन रिटर्न, सो वट एवर अमाउंट आई एम गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट दैट इज टू बी डीम टू बी अर्न इन इंडिया, करेक्ट। बट वट हैपन इफ इंटरेस्ट इज पेबल बाय नॉन रेजिडेंट, इस केस में क्या होगा? लोन इज यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखिए जो ऊपर वाला पॉइंट था उसमें क्या था? एनी पर्पज, ठीक है, यहां पर क्या था? एनी पर्पज, ये था आपका एनी पर्पज एंड ये है आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन, ओके, दैट मीन्स अगर नॉन रेजिडेंट ने अगर आप दैट मीन्स मान लीजिए अगर आपने लोन लिया किसी नॉन रेजिडेंट से, सॉरी आपने लोन लिया किसी नॉन रेजिडेंट को एंड जो नॉन रेजिडेंट आपको जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है, एंड आपने लोन जो है वो इंडिया में यूज करा किसके लिए? फॉर द बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए, तो दैट इनकम इज टू बी डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया। ओके, अदरवाइज
अगर आप इसके अलावा ये वो अमाउंट किसी और पर्पस के लिए इंडिया में यूज करते हो या बाहर कंट्री में कहीं भी यूज करते हो, देन इट इज टू बी ट्रेडेड एज आउटसाइड इंडिया। नेक्स्ट वन इज फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज एंड रॉयल्टी। देखिए, अगर टेक्निकल सर्विस से रिलेटेड कोई भी अगर फीस पे करी है या फिर रॉयल्टी, दैट मीन्स इसको बोलते हैं हम राइट टू यूज। अगर मान लीजिए मैंने आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट आपको जो है यूज करने के लिए यूज कर राइट दे आपको यूज कर चुका हूँ, तो बदले में आप मुझे क्या दोगे? इन रिटर्न यू आई विल गेट रॉयल्टी। ठीक है, अब इसकी बात करें अगर ये कब कब इंडिया में मानी जाएगी। अगेन, इफ आई एम गेटिंग दैट इनकम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वी ट्रीट एज आर इंडिया, बट इफ इट इज गिवन बाय रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, तो डिपेंड करता है कि उसका यूज कहाँ हो रहा है। इफ इट इज इंडिया देन इट इज टू बी आन इंडिया, इफ इट इज आउटसाइड इंडिया देन इट इज ट्रीटेड एज आउटसाइड इंडिया। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ डिविडेंड। अगेन, डिविडेंड पे कौन कर रहा है? इधर बाय इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन कंपनी और बाय फॉरेन कंपनी। इंडियन कंपनी पे कर रही है तो आन इंडिया, फॉरेन कंट्री पे कर रही है तो आउटसाइड इंडिया। वेरी इजी, यस। तो देखिए, हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग कि हमें स्टेटस के अकॉर्डिंग चेक करना है कि कब कब इंडिया में जो वो अर्न इनकम जो वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, कौन कौन सा स्टेटस है? ROR, NOR एंड NR। ठीक है, बट अब तक हमने ये नहीं पढ़ा कि स्टेटस है क्या। ऊपर मैंने बताया था आपको कि स्टेटस क्या होता है बेसिकली, लाइसेंसेस कैसे कैसे निकलते हैं। वी नीड टू कैलकुलेट स्टे पीरियड इन इंडिया, वो हमें कौन बताएगा? सेक्शन 6। ठीक है, तो पढ़ते हैं जरा सेक्शन 6 क्या कहता है, ध्यान से देखें। सेक्शन 6(1) किसके लिए है? फॉर द इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसकी देखिए बेसिक कंडीशन है क्या क्या है। स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। अब आपको अच्छे से पता है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। ठीक है, दैट मीन्स अगर प्रीवियस ईयर में, ठीक है, अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज़्यादा अगर वो इंडिया में रह रहा है, ठीक है, तो ये उसकी फर्स्ट बेसिक कंडीशन है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है? स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर प्लस प्लस 365 डेज और मोर 365 डेज और मोर ड्यूरिंग लास्ट फोर प्रिसीडिंग ईयर्स। ध्यान से देखिए क्या मतलब है। देखिए, अगर किसी भी इंडिविजुअल को अगर अपना रेजिडेंस चेक करना है, ठीक है, तो उसको ये बेसिक कंडीशन जो कुछ भी करने की, कौन कौन सी? आइदर दिस और आइदर दिस, कोई सी भी एक। ठीक है, कोई सी भी एक वो अगर बेसिक कंडीशन को भी कर लेगा, देन ही इज टू बी कॉल्ड एज रेजिडेंट इंडिया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है? दैट पर्सन शुड बी स्टेट इंडिया फॉर 180 डेज और मोर इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। एंड सेकेंड कंडीशन इज दैट पर्सन शुड बी स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर प्लस प्लस 365 डेज और मोर ड्यूरिंग लास्ट फॉर प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर। अभी प्रिसीडिंग फॉर ये कहता है, ध्यान से देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से समझाता हूँ। जैसे देखिए, असेसमेंट ईयर कौन सा है? 2021। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 1920। मान लीजिए इस ईयर में जो है वो 70 डेज रहा, तो देखिए ये वाली कंडीशन को फुलफिल हुई नहीं। अब हम ये वाली कंडीशन देखें तो इसमें ये तो कर दी उसने, बट इसमें ये दोनों करनी है उसको। ठीक है, तो इसके लिए क्या देखेंगे? आप उसको देखेंगे प्रीवियस फोर ईयर की, देखेंगे 18-19, 17-18,
16, 17 एंड 15, 16 की हम चेक करें, ठीक है। दैट मीन्स वी नीड टू चेक 365 डेज और मोर इन दिस 4 ईयर्स। क्या लिखा यहाँ पर? प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर से पहले। प्रीवियस ईयर कौन सा है? 1920। उससे पहले के जो 4 साल में हैं उसमें उसको 3 डेज और मोर उसको कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी इंडिविजुअल, क्या पढ़ रहे हैं? सेक्शन 6(1) के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम, और दी इंडिविजुअल के केस में पढ़ रहे हैं। अगर उसको रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर चेक करना है, उसके लिए चेक करना है, तो हमें उसके लिए बेसिक कंडीशन देखनी पड़ेगी। दो बेसिक कंडीशन, दो में से कोई भी एक। फर्स्ट कंडीशन क्या है? स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन और इक्वल टू 182 डेज इन ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में वो इतने से इतने या से ज़्यादा दिन वो रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? रेजिडेंट मिल गया। फर्स्ट कंडीशन होगी, अगर वो ये नहीं कंप्लीट कर पाया तो हम चेक करेंगे उसका स्टे पीरियड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितना तय करेंगे, 60 डेज प्लस 365 डेज और मोर ड्यूरिंग द लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर से पहले जो 4 साल हैं उसमें उसका जो है 365 डेज और मोर जो कंप्लीट होना चाहिए, ओके। चलिए ये हो गया। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर जो एक पॉइंट और बताता हूँ जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पर लगाता हूँ स्टार। अब आपको स्टार का मतलब समझ गया मैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यानी कि इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? ध्यान से देखिए, ये लिखा मैंने स्पेशल पर्सन। क्या मतलब है इसका? दैट मीन्स अगर ये कोई स्पेशल पर्सन हुआ, स्पेशल पर्सन के केस में हम जो है ये वाली कंडीशन नहीं देखें, ठीक है। यानी कि फॉर दिस स्पेशल पर्पस वी विल नॉट चेक दिस कंडीशन, हम इसको सिर्फ ये कंडीशन चेक करेंगे कौन सी है। ये सेकेंड कंडीशन चेक नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये कंडीशन चेक करेंगे। तो देखिए स्पेशल पर्पस है कौन? सिटीजन ऑफ इंडिया हु लिव्स इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस आउटसाइड इंडिया, जॉब के लिए अगर बाहर चला गया, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? स्पेशल पर्पस। कंडीशन सिटीजन ऑफ इंडिया, देन सिटीजन ऑफ इंडिया हु लिव्स इंडिया एज क्रू ऑफ इंडियन शिप। हमारे सपोज इफ देर इज एनी पर्सन हुज एक्चुअली अ वर्कर इन इंडियन शिप, ठीक है, सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दैट मीन्स ही नीड टू ट्रेवल फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, ठीक है, फ्रॉम लाइक कोई भी कंट्री हो, ठीक है, सो दैट मीन्स एक्चुअली ही नीड टू बी देयर इन हिज और हर शिप, तो उसके लिए कंपल्सरी शिप में रहने के लिए। सो अगर वो इंडियन शिप के साथ अगर वो कहीं भी जाता है फॉर द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर्पज के लिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेशल पर्पज। उसके लिए हम कौन सी कंडीशन चेक करेंगे? ओनली दिस वन, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या देखिए, सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये ध्यान से बोलेंगे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु कम्स इंडिया ऑन विजिट। देखिए कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, जैसे आप हो, ठीक है, आपने जब बाहर चले गए वहाँ पर सेटल हो गए, अब आप जो यहाँ पर आप आके इंडिया में विजिट करो कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो एक तो आप हो गए स्पेशल पर्पस, बट यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन देखिए, देखिए डिफरेंस का यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सिटीजन ऑफ इंडिया मीन्स दैट पर्सन इज बेसिकली बोर्न इन इंडिया, बट पर्सन ऑफ इंडिया इन द सेंस मीन्स द पर्सन और यू कैन से हिज और हर मदर फादर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर बोर्न इन इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान बिफोर 1947, ठीक है, यानी कि उस पर्सन की मदर फादर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर अगर वो बोर्न हुए कहाँ पे? इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान, कब? 1947 से पहले, दैट मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया से पहले अगर वो इन किसी देशों में अगर वो बोर्न हुए हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और वो पर्सन अगर इंडिया में विजिट करने के आता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्सन
तो उसके लिए हम कौन सी कंडीशन चेक करेंगे, वी विल चेक ओनली दी फर्स्ट कंडीशन, ओके, दैट मीन्स ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, ओके। सो ये था आपका सेक्शन 6 क्लॉज 1 फॉर द इंडिविजुअल, ठीक है। तो उसके लिए हम रेजिडेंशियल चेक इस तरह से करेंगे। अब आपका सेक्शन 669, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि रेजिडेंट के ऊपर हमने पढ़ा कि रेजिडेंट दो टाइप के होते हैं, आर ओ आर एंड एन ओ आर। तो उस पर्सन के लिए, इंडिविजुअल के लिए हमने रेजिडेंट चेक कर लिया, बट व्हाट अबाउट आर ओ आर एंड एन ओ आर, तो उसके लिए क्या है, अगर वो आर ओ आर है वो है, वो दैट मीन्स ही और शी नीड टू फुलफिल बोथ एडिशनल कंडीशन, अदरवाइज वो पर्सन क्या होगा, एन ओ आर, दैट मीन्स नॉन ऑर्डिनरी पर्सन, सॉरी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आर ओ आर कब होगा, जब अगर उसने दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर ली और एक भी नहीं करी तो क्या हो जाएगा, वो एन ओ आर। अब एडिशनल कंडीशन क्या है, आइए पढ़ते हैं। एटलीस्ट 2 ईयर रेजिडेंट आउट ऑफ लास्ट 10 ईयर्स प्रिसीडिंग 4 ईयर्स, इट मीन्स लास्ट 10 ईयर में किसी भी 2 साल में अगर वो रेजिडेंट है, ठीक है, ये पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 730 डेज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर्स प्रिसीडिंग प्रीवियस ईयर, अगेन यहाँ देखिए क्या लिखा, प्रीसीडिंग प्रीवियस, यानी कि प्रीवियस ईयर से पहले किसी भी पिछले 7 सालों में, ठीक है, अगर वो उसका स्टे पे टोटल मिला के जो है कितना होना चाहिए, मोर देन और इक्वल टू 730 डेज, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन पे फुलफिल करनी पड़ेगी उस पर्सन को फॉर दी आर ओ, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, इसका कंफ्यूजन होती तो उसमें उसका एग्जाम्पल लेने पड़ रहे हैं। देखिए असेसमेंट ईयर कौन सा देखिए चल रहा है, 2021, तो देखिए प्रीवियस ईयर क्या होगा, 1920, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ ये सेकंड पॉइंट वाला समझा रहा हूँ, सॉरी फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट। तो इसके लिए क्या देखना, आप लास्ट किसी भी 10 ईयर में, जैसे देखिए कितने दिन साल, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। किसी भी 10 ईयर में, किसी भी 2 साल में, मान लीजिए हमें उसका रेजिडेंट चेक करना है, रेजिडेंट चेक करना कैसे चेक करना है वो, उसके लिए हमें अब ऊपर में पड़ा, ये हमें कंडीशन चेक करनी है, कोई भी कंडीशन उसने फुलफिल कर दी किसी भी 2 साल में, पिछले 10 साल में, किसी 2 साल में उसने बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर दी तो क्या बोलेंगे उसको, रेजिडेंट। मान लो उसने 3rd ईयर में कंप्लीट कर लिया, सॉरी मान लीजिए उसने 3rd ईयर में कंप्लीट कर लिया एंड 7 ईयर में कंप्लीट कर लिया, तो उसकी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। कम टू द सेकेंड कंडीशन, अगेन असेसमेंट ईयर क्या होगा, 2021 एंड द प्रीवियस ईयर इज 1920, ठीक है। सेकेंड कंडीशन के लिए मान लीजिए अगेन ईयर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, यानी कि इन सब का जो टोटल मिला के उसका स्टे पीरियड इन इंडिया कितना होना चाहिए, मोर देन और इक्वल टू 732, ठीक है। दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, दैट पर्सन इज टू बी कॉल्ड एज आर ओ आर, दैट इज रेजिडेंट ऑर्डिनरी Yes। तो ये थी आपकी बेसिक कंडीशन एज वेल एज एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन वी विल चेक फॉर दी रेजिडेंशियल स्टेटस, वेदर ही इज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ठीक है। एंड एडिशनल कंडीशन बेसिकली वी चेक फॉर दी आर ओ आर एंड एन ओ आर। नाउ कम टू दी सेक्शन 6.2 फॉर दी एच यू एफ, ठीक है। किसके लिए चेक कर रहे हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली,
हिंदू अनडिवाइडेड वेल्थ फैमिली बेसिक में होता है, दैट इज फैमिली बिजनेस इनकम। ठीक है, फैमिली बिजनेस इनकम होती है इसमें। तो बेसिकली देखिए, इसका जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ता। देखिए जो एक्चुअल में तो फैमिली का होता है, उसमें काफ़ी सारे बिजनेस, उसमें काफ़ी सारे जो फैमिली पर्सन होते हैं, एंड उसको जो मेन हेड जो पर्सन, उसको कहते हैं पर्सन कर्ता। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, कर्ता के हाथ में होता है। ठीक है, अब इसका अगर हमें रेजिडेंट चेक करना है, रेजिडेंट के लिए बोल रहा हूँ, तो क्या लिखना पड़ेगा उसका, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज होली योर पार्ट इन इंडिया और होली योर इंडिया। अगर पूरा डिसीजन या फिर पार्टी भी अगर इंडिया में लिया है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेजिडेंट। बट अगर पूरा पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट अगर इंडिया से बाहर लिया गया तो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन रेजिडेंट। किसको बोलेंगे हम, कर्ता को। कर्ता को नहीं बोलेंगे हम, एचयूएफ को बोलेंगे। एचयूएफ को क्यों, क्योंकि उसका जो कंट्रोल मैनेजमेंट किसके हाथ में है, कर्ता के हाथ में है। ठीक है, आई रिपीट, एचयूएफ के केस में अगर हमें रेजिडेंट चेक करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि उसका जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यानी कि बिजनेस का जो कंट्रोल मैनेजमेंट, जो कर्ता ले रहा है, वो कहाँ से बिजनेस ले रहा है, इंडिया से या बाहर से। अगर इंडिया से ले रहा है तो होली और पार्टली कितना भी हो तो फिर वो रेजिडेंट ले रहा है। अगर पूरा का पूरा डिसीजन बाहर से लिया गया है, आउट ऑफ इंडिया, तो उसका वही हम नॉन रेजिडेंट। ठीक है, तो अगर रेजिडेंट हुआ तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, अगेन आर ओ आर एंड एन ओ आर। आर ओ आर हो तो कैसे हुआ, एडिशनल कंडीशन अगेन उसको फुल भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या मानेंगे उसको, आर ओ आर। अब इसके लिए एडिशनल कंडीशन क्या है, डरो नहीं, इसके लिए कोई एडिशनल कंडीशन नहीं है, वही सेम है जो भी अभी ऊपर पड़ी। ये दो जो कंडीशन है, यही दो कंडीशन कर्ता को फुल भी करनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ कम टू 6(3), दैट इज फॉर द कंपनी। देखिए इसमें रेजिडेंट चेक करना है, अगर इंडियन कंपनी है तो रेजिडेंट है ही कंपनी। अगर कोई भी कंपनी अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है या रजिस्टर्ड है तो दैट इज कॉल्ड रेजिडेंट। फॉरेन कंट्री है तो क्या होगा, तो उसके लिए हम चेक करेंगे पोयम। ठीक है, क्या चेक करेंगे, पोयम। पोयम के यहाँ पर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, आई रिपीट, पोयम स्टैंड फॉर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब ये क्या है, दिस इज बेसिकली अ की मैनेजमेंट डिसीजन इफेक्ट ऑन होल कंपनी। दैट इज एक ऐसा डिसीजन लिया गया है दैट इज कंप्लीटली इफेक्ट ऑन होल कंपनी। ठीक है, अगर उसका वो इफेक्ट डिसीजन अगर इंडिया में लिया गया है तो उसको हम बोलेंगे रेजिडेंट। फॉरेन कंपनी हो लेकिन अगर की मैनेजमेंट डिसीजन अगर इंडिया में लिया गया है तो उसको बोलेंगे रेजिडेंट। ठीक है, बट अगर इंडिया से बाहर कहीं भी लिया है तो क्या बोलेंगे उसको, हम नॉन रेजिडेंट। आई रिपीट, फॉरेन कंट्री को, फॉरेन कंपनी केस में हम देखेंगे प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो ऐसा डिसीजन जो कि इफेक्ट करता है पूरी कंपनी में। ठीक है, जो की डिसीजन होता है अगर वो इंडिया में ले जाए तो उस कंपनी का हम बोलेंगे रेजिडेंट, अगर नहीं लिया गया उसको तो बोलेंगे हम नॉन रेजिडेंट। नेक्स्ट इट, नाउ कम टू सेक्शन 6(4), दैट इज इन केस ऑफ एलएलपी। सबसे इजी, सेम एज एच। ठीक है, सेम एज एच यू एल। नाउ द टुडे इज लास्ट टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस टॉपिक बेसिकली अमेंडेड इन 2019। ठीक है, तो इसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए होता क्या है, मान लीजिए जैसे कोई भी पर्सन है, कोई मान लीजिए फैमिली पर्सन है या कोई फ्रेंड है या कोई भी, अगर मान लो उसने आपको गिफ्ट दिया तो गिफ्ट की जो वैल्यू है, या फिर मान लीजिए कैश भी दिया, तो क्या वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। अब आप सोचोगे सर कमाल है, गिफ्ट लेना भी पाप हो गया, तो मतलब अगर गिफ्ट लेंगे तो भी टैक्सेबल। जी हाँ, घूमने की नज़र हर सब पे रहती है। ठीक है, तो वैसे तो देखिए जो गिफ्ट की जो इनकम है वो कहाँ पर आती है, कौन से हेड में आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मैं आपको इन डिटेल्स अभी तो नहीं बता सकता कि गिफ्ट टैक्सेबल है तो कब है, नॉन टैक्सेबल है तो कब है, वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। देखो उसके लिए अभी हमें हमें पूरे चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, दैट इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है,
बट जो अमेंडमेंट आया है वो पूरा जो कंसेप्ट है वो किससे रिलेटेड आपका रेजिडेंशियल स्टेटस से, बिकॉज अभी हमने पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस हमें देखना पड़ता है कि विच इनकम टू बी डीम्ड इन इंडिया, तो उसके लिए हमें गिफ्ट का कंसेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से देखिए कौन सा केस पढ़ रहे हैं हम, गिफ्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से मैं आपको इसको एग्जाम्पल के से पढ़ाता हूँ। लाइक सपोज सपोज ही इज अ रेजिडेंट एंड ही इज अ नॉन रेजिडेंट, ये कौन है रेजिडेंट एंड दैट पर्सन इज नॉन रेजिडेंट। अब रेजिडेंट ने इस पर्सन को गिफ्ट दिया, रेजिडेंट ने इस पर्सन को गिफ्ट दिया, अब हमें चेक करना है वेदर दिस इनकम इज डीम टू बी अर्न इंडिया और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए ये गिफ्ट जो क्या चेक करना हमें देखना है, डीम्ड टू बी अर्न इन इंडिया और नॉट, हमें यही तो चेक करना है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा गिफ्ट, दैट मीन्स अगर ये गिफ्ट टैक्सेबल है, मैं लिख देता हूँ, अगर ये गिफ्ट टैक्सेबल है कहाँ पर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में अंडर सेक्शन 56(2)(10) में। ठीक है, अगर वो टैक्सेबल है तो नॉन रेजिडेंट के केस में भी ये टैक्स इसको क्या मानेंगे, डीम टू बी अर्न इंडिया। मैं देखो फिर से बोल रहा हूँ, देखिए गिफ्ट जो है काफ़ी तरह के होते हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन में बोला गया है कि कौन कौन से गिफ्ट जो टैक्सेबल है, कौन कौन से नहीं है। आप अभी हमसे बात कर रहे हैं टैक्सेबल गिफ्ट की, बाकी सब गिफ्ट की बात नहीं कर रहे, हम टैक्सेबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इफ द गिफ्ट इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10). ठीक है, और अब गिफ्ट किसने दिया है, रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट कहते, तो नॉन रेजिडेंट हाथ में भी ये इनकम जो है मानी जाएगी डीम टू बी इन अर्न इन इंडिया। क्लियर। अच्छा, अब सवाल उठता है कि आप कि सर ये गिफ्ट चेक कहीं पर रिसीव किया हो। जी हाँ, चाहे नॉन रेजिडेंट कहीं पर बैठा हो, मंगल ग्रह पर क्यों बैठा हो, तो इसके लिए डीम टू बी अर्न इंडिया हो जाएगा। जी हाँ, कहीं पर ही बैठा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए ये कौन है नॉन रेजिडेंट एंड मान लीजिए दिस पर्सन इज ऑल्सो नॉन रेजिडेंट। अब इसने इसको गिफ्ट दिया, अब वो गिफ्ट जो वो टैक्सेबल है। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये गिफ्ट से कहाँ पर दिया गया। बस अगर इंडिया में दिया गया है तो डीम टू बी अर्न इंडिया, आउटसाइड दिया है देन अर्न आउटसाइड इंडिया, दैट्स इट। बिकॉज ये दोनों पर्सन कौन है, नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, तो नॉन रेजिडेंट किस्म से देखना है कि गिफ्ट कहाँ पर गया, इंडिया में दिया है देन इट इज टू बी डीम टू बी अर्न इंडिया, आउटसाइड इंडिया में दिया है देन दैट इज अर्न आउटसाइड इंडिया, दैट्स इट। बस हमें इस केस में लगना है अगर कोई रेजिडेंट अगर नॉन रेजिडेंट तक दे रहा है कोई भी टैक्सेबल गिफ्ट दे रहा है तो वो हर हालत में इंडिया में इनकम मानी जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल कंसेप्ट अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लाइव क्लास में करेंगे। थैंक यू।